भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर जनपद में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संगठन के प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने जिले में सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को प्राथमिक सदस्यता दिलाई। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को सदस्यता अभियान के जरिए और अधिक ऊंचाई पर ले जाने का कार्य आगामी दिनों में होगा। प्रत्येक बूथ में 200 नए सदस्यों को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा के पदाधिकारियों तथा सदस्यों पर लग रहे बलात्कार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर भाजपा चिंतित है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर पार्टी के साथ साथ कानून भी सख्ती से पेश आ रहा है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव सहित सदस्यता अभियान के संयोजक सुरेश कांडपाल आदि मौजूद थे। हमारा सदस्यता अभियान पार्टी का 6 साल में एक बार होता है और 3 साल में हम आंशिक रूप में, क्योंकि हमारा संगठन का चुनाव होता है, तो हम उसकी सदस्यता अभियान चलाते हैं। वर्तमान में चूंकि सभी हमारे कार्यकर्ताओं की सदस्यता शून्य थी, तो प्रधानमंत्री जी ने 2 तारीख को इसका उद्घाटन किया है। हमारे जेपी नड्डा साहब ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई है और 3 तारीख को कल हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी और हमारे मंत्रीगण ने कल सदस्यता हमारा देहरादून में ली है। और आज हम पूरे जिलों में जो हमारे संगठनिक जिले हैं 19, उनमें हम ये लॉन्चिंग कर रहे हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। अपने वरिष्ठ नेताओं को, विधायकों को हम जो है यहाँ पर अभी सदस्यता दिला रहे हैं। इसके बाद हमारे कार्यकर्ता बूथ पर जाकर प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य कम से कम बनाएंगे और इसके अलावा 10 नवंबर तक ये हमारा सदस्यता अभियान चलने वाला है और उसके बाद फिर हमारे संगठन की जो चुनाव की प्रक्रिया होगी वो प्रारंभ होगी। निकाय चुनाव नजदीक है और पंचायत चुनाव शुरू हो गए, तो सरकार का एक इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि सरकार जो है निकाय चुनाव को लगातार टालते रह रही है, तो क्या सांगठनिक तौर पर इतनी सक्षम नहीं है या सरकार को डर? देखिए, एक्चुअली प्रदेश के अंदर हम सब जानते हैं कि कुछ जगहों पर जो हमारा नगर पालिका है इनका विस्तार हुआ है, कहीं पर नई नगर पालिकाएं बनी हैं, कहीं नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया गया है। तो क्योंकि ये सब चीज़ों में प्रक्रिया में समय लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आने वाले समय उत्तराखंड का विस्तार तो वो करना ही है। अगर मान लिया पहले से ग्राम सभाएं थी और आज वो अगर नगर पंचायत बनने की स्थिति में है तो हम उनको वहीं छोड़ देंगे तो उनका विकास नहीं हो सकता। इसे हमने देखा होगा कि अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, हमारा स्वयं रामनगर का भी विस्तारीकरण हुआ है। इस प्रकार से जगह जगह पर क्षेत्रों में जो हुआ है उसको लेकर गतिविधियाँ चल रही हैं, काम चल रहा है और ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि लोकसभा में बड़ा माहौल खराब किया गया विपक्ष के द्वारा, लेकिन सबको भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत में पता है कि हम लोग किस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जुटा हुआ है, इसलिए विपक्ष तो सब चीज़ें बोलते रहता है क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। और अतिशीघ्र पंचायतों के चुनाव भी होंगे, निगमों के चुनाव भी होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। आज अगर चुनाव करा लें, लेकिन चूंकि उसकी प्रक्रिया है और जब हम चुनाव आयोग को भेजते हैं तो सारा जो विस्तार हुआ है सब चीज़ों का हुआ है उसका एक पूरा व्यवस्थित तरीके से जब बन जाएगा तो उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। हाल के दिनों में महिलाओं के साथ घटनाएं हुई है, लगातार घटनाएं हुई है, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आता है। विपक्ष लगातार हंगामा है, वो आरोप लगा रहा है कि जैसा मैं ये लोगों को सदस्यता दें तो उसमें उनका टेस्ट कराएंगे, पहचान है जनता। देखिए, देश के अंदर आज नहीं बहुत लंबे समय से महिलाओं के साथ जो हुआ है हम सब जानते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं भी होता है, विवाद विपक्ष विपक्ष ही नहीं है, किसी भी सरकार में कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर पूरे विश्व के अंदर भी अगर बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, क्योंकि जो जन्म देने वाली अगर उसके साथ ही अत्याचार होगा तो कैसे लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है। मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति का बुद्धि का टेस्ट आप नहीं कर सकते हैं। आज जो व्यक्ति आपको अच्छा दिखाई दे रहा है वो आज अच्छा हो सकता है, लेकिन 4 दिन के बाद उसकी माना कोई बुद्धि में अगर कोई विकार आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप कोई उसका एक ऐसा टेस्ट करने वाला कोई सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन पार्टी ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करती है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर शांति हो, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा अभियान पूरे देश के अंदर चलाया हुआ है और मैं मानता हूं कि वो अभियान चलने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा के अंदर जहां बेटियों को पहले मार दिया जाता था, आप जानते हैं कि उस अभियान के बाद आज हरियाणा में बहनों का जो रेशियो है, पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है, वो किस प्रकार से बराबर हो गया। पहले तो वहाँ बेटियाँ नहीं बचती थी। तो हम जब इस प्रकार का अभियान पूरे देश के अंदर चलाते हैं
तो फिर हम कैसे किसी बहन के साथ गलत कर सकते हैं। विपक्ष अपने गरिमान में झाँके उनको देखें उनके समय में, तो आज तो कम से कम इतना तो है कि न्याय मिल रहा है। अगर कहीं किसी बहन के साथ बेटी के साथ अगर कोई गलत हो रहा है तो वो बोल पा रही है, लेकिन पहले अगर हम चले जाएं कांग्रेस के शासनकाल में तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहनों के साथ है, अन्याय के खिलाफ है, और हम चाहते हैं कि समाज के अंदर इस प्रकार की विकृति नहीं होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल 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 होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, अगर हम उसके बेस में चले जाएंगे, भाई मेरे अगर माना एक परिवार में पिताजी हैं माता जी हैं बहुत अच्छे संस्कारवान होते हैं, कहीं कहीं पर उनके बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन उसके लिए समाज उनके माँ बाप को एकदम दोषी ठहरा देगा, ऐसा संभव नहीं होता है। क्योंकि समाज में प्रतिक्रिया उस बात की भी होती है कि माँ बाप किस व्यवहार के लोग हैं, अब उस वक्त क्यों उसके अंदर ऐसी विकृति पैदा हो गई, उसका मानसिक क्या ऐसा ह्रास हो गया कि उसने ऐसा काम किया है। और ऐसे लोगों के साथ ना तो उनके माँ बाप होते हैं, और जो कानून होता है वो अपना काम करता है, और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी में विशेषकर मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हमने वो कालखंड देखा है कि जब लोगों की सुनवाई तक नहीं होती थी, बहनों के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता था। अब विपक्ष का तो काम है ठीक है, आज हमारी सरकार तो हमको घेरेगा, लेकिन बंगाल के अंदर जो हो गया उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और हम खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी है, हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इवन कल के दिन अगर माना मैं स्वयं भी अगर कोई गलत काम करूंगा तो पार्टी मुझे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ईटीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।